हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अर्चना क्लासेस। परसेंटेज को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। इफ ए इज एक्स परसेंट मोर देन बी, यदि ए बी से एक्स परसेंट ज्यादा है, इट मींस ए बी, बी 100 है, ए इज एक्स परसेंट मोर देन बी, इट मींस ए विल बी एक्स परसेंट मोर देन बी, और बी की वैल्यू है 100, इट मींस ए होगा 100 प्लस एक्स और बी होगा 100। यदि हमें दिया हुआ है ए इज एक्स परसेंट मोर देन बी और हमसे पूछ लिया जाता है बी ए से कितना परसेंट कम होगा, तो उस कंडीशन में हम करेंगे 100 प्लस एक्स माइनस 100, दोनों का डिफरेंस, दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस एक्स इंटू 100। ये वैल्यू आ गई है हाउ मच बी इज लेस देन ए, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। यदि हमें दिया है ए इज एक्स परसेंट लेस देन बी, इट मीन्स इफ बी इज 100 देन ए विल बी 100 माइनस एक्स, दैट इज एक्स परसेंट लेस देन बी। और अब यदि पूछ लिया जाता है बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो हम ए और बी की जो वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस लेंगे, दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स इंटू 100%। तो ये वैल्यूज आपको याद रखें। अब हम देखेंगे यदि पॉपुलेशन पर ईयर कुछ एक्स परसेंट इंक्रीज हो रही है आफ्टर टी ईयर्स, वो वैल्यू जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी। इनिशियल मान ले रहे हैं कि पॉपुलेशन पी है और जो वैल्यू है वो एक्स परसेंट से पर ईयर इंक्रीज हो रही है, तो टी ईयर्स बाद वो पॉपुलेशन होगी पी इंटू 1 प्लस x/100 रेज टू पावर, जितने भी ईयर्स के बाद पूछा जा रहा है, हम टी ईयर्स कंसिडर कर रहे हैं। यदि प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है और वो टी ईयर्स पहले पूछ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई करने की बजाय इसे हम पी से डिवाइड कर देंगे, दैट इज पी बाय 1 प्लस x/100 रेज टू पावर टी। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये फॉर्मूलाज हैं यदि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वो परसेंटेज जो एक्स है वो इंक्रीमेंट का है, यदि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है एक्स परसेंट से, तो उस कंडीशन में हम प्लस की जगह यहाँ साइन यूज करेंगे माइनस का। तो आफ्टर टी ईयर्स द पॉपुलेशन विल बी पी इंटू 1 माइनस x/100 रेज टू पावर टी। यदि पूछ लेते हैं टी ईयर्स पहले पॉपुलेशन कितने थी, डिवाइड कर देंगे 1 बाय x-100 रेस टू पावर टी। तो ये दोनों जो रिजल्ट्स हैं ये आपको याद रखने हैं, इन पे बेस्ड हम अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। यहाँ पे जो कमोडिटी है वो है पेट्रोल, पेट्रोल का प्राइस 25% से इंक्रीज हो रहा है। यदि एक कार ओनर अपना एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना चाहता है, तो उसे अपने कंजप्शन में कितना रिडक्शन करना पड़ेगा, ये परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है। एक्सपेंडिचर होता है जो कमोडिटी है उसका प्राइस इनटू कितना क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर होता है जो रेट होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी जो परचेज की जा रही है। एक्सपेंडिचर कार ओनर अपना इंक्रीज नहीं करना चाह रहा है, इट मींस पी क्यू पहले जो था अब भी वही रहेगा, दैट इज एक्सपेंडिचर वो चेंज नहीं कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर सेम है। प्राइस जो है वो क्वांटिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, पहले जो पेट्रोल का प्राइस था वो 100 था, अब जो पेट्रोल का प्राइस है वो 125 हो गया। ये है प्राइस, जो क्वांटिटी है कंजप्शन है वो चेंज हो जाएगी, बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफ एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। क्वांटिटी होगा पहले 125 यूनिट परचेज कर रहा था, अब उसे एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए सिर्फ 100 यूनिट ही परचेज करनी होगी, पेट्रोल की सिर्फ वो 100 यूनिट परचेज करेगा। क्वांटिटी का जो कंजप्शन है, पेट्रोल का जो कंजप्शन है, उसमें कितना रिडक्शन होगा, 125 माइनस 100 दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 125 इनटू 100 कैंसिल आउट होके ये आ गया 20%। पेट्रोल पे एक्सपेंडिचर यदि वो सेम रखता है, तो उसे पेट्रोल का कंजप्शन 20% से रिड्यूस करना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
The salary of a person was reduced by 10%. By what percent should his reduced salary be raised so as to bring it at par the his original salary? उसकी initial salary 100 थी, अब salary 10% से decrease हो गई है. अब ऐसी percentage हम directly निकाल सकते हैं. 100 से 10% reduce करेंगे, 90 हमें मिलेगा. अब पूछ रहा है कि वापस उतनी ही salary होने के लिए उसकी सैलरी को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा. तो 100 माइनस 90 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 90 इनटू 100. 100 बाय 9% और हमने परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में देखा था कि 100 बाय 9% होता है 11 बाय 9%. So the next question is, एक प्रोडक्ट है उसका प्राइस 10% से यदि डिक्रीज कर दिया जाए तो उसकी जो क्वांटिटी सोल्ड हो रही है उसे जो हम बेच पा रहे हैं वो 30% अब ज्यादा बेच पाएंगे. इनिशियल हम कंसिडर कर रहे हैं 100 क्वांटिटी बेच पा रहे थे और रेट जो है एक यूनिट का 100 कंसिडर कर लेते हैं. 100 इसीलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज में निकालने के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है. बट अब तो प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो 10% से डिक्रीज हो गया. इट मीन्स पहले रेट 100 था तो अब रेट हो गया है 90. 100 यूनिट हम बेच पा रहे थे बट अब हम 30% ज्यादा बेच पा रहे हैं. इट मीन्स 130 यूनिट हम बेच पा रहे हैं. तो इनिशियल जो रिवेन्यू था वो था क्वांटिटी इंटू रेट दैट इज 100 इंटू 100 दैट इज 10,000. अब यदि हम रिवेन्यू की बात करें तो वो है 130 इंटू 90 दैट इज 11,700. अब रिवेन्यू में क्या चेंज आया है वो चेंज हमें बताना है, क्या इफेक्ट आया है. तो हम दोनों का डिफरेंस लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 1700 डिवाइडेड बाय इनिशियल रिवेन्यू दैट इज 10,000 इनटू 100. रिवेन्यू जो है वो 17% से चेंज हो गया है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है हमने थोड़ी देर पहले ही पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन किया था, ये उसी के जैसा है. एक मशीन है उसका रेट 10% से डिक्रीज हो रहा है हर साल. प्रेजेंट उसकी वैल्यू है 1,62,000. 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी और 2 साल पहले उस मशीन की वैल्यू क्या थी हमें फाइंड आउट करनी है. पहले हम फाइंड आउट करते हैं आफ्टर 2 ईयर्स फॉर्मूला था तो इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे. पी है प्रेजेंट वैल्यू. सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 1,62,000 इनटू 1 माइनस एक्स. एक्स यहाँ पे है जो रेट है दैट इज 10% डिवाइडेड बाय 100. टाइम यहाँ पे है 2 ईयर्स. तो ये हुआ 1,62,000 इनटू ये होगा 1 माइनस 10 बाय 100 को जब हम सॉल्व करेंगे हम मिलेगा 9 बाय 10 और 9 बाय 10 का स्क्वायर है. इट मीन्स 9 बाय 10 इनटू 9 बाय 10 कैंसिल आउट करेंगे हमें मिलेगा 1,620 इनटू 81 दैट इज 1,31,220. 2 साल बाद ये मशीन की वैल्यू डिक्रीज होके हो जाएगी 1,31,220. यदि इसी मशीन की वैल्यू 2 साल पहले हमें निकालनी है तो 2 साल पहले के लिए फॉर्मूला था बिफोर 2 ईयर्स. इसके लिए फॉर्मूला था पी बाय 1 माइनस एक्स बाय 100. यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. पी प्रेजेंट वैल्यू है 1,62,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 बाय 100. टाइमिंग है 2 ईयर्स की दैट इज 1,62,000 डिवाइडेड बाय 9 बाय 10 अगेन डिवाइडेड बाय 9 बाय 10 बिकॉज यहाँ स्क्वायर 9 into 9 81. 81 to 162 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आ गई है 2 लाख. 2 साल पहले इस मशीन का वर्थ था 2 लाख. प्रेजेंट इसका वर्थ है 1,62,000 और 2 साल बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 1,31,220. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.